The boys and girls, how you doing? मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त जोरावर आज फिर एक और वीडियो लेके आपके सामने। अमेरिका देख लिया, चाइना देख लिया, अब थोड़ा ट्रैवल करते हैं, थोड़ा टेक ऑफ करते हैं, अब थोड़ा जाते हैं जो अरब कंट्री है, जो सो कॉल्ड द मुस्लिम वर्ल्ड है, हम उसकी बात करते हैं। और रिसेंटली अभी जो एक चीज़ सामने आ रही है, जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो है अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में, जो ये एक टेरिटरी है नागोर्नो कराबाख करके, जो ये टेरिटरी है उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अभी तक जो खबर है कि जो अजेरी फोर्सेस है अज़रबैजान की, दे हैव कैप्चर्ड अ सिटी कॉल्ड शूशा, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन दैट नागोर्नो कराबाख रीजन, सेकंड बिगेस्ट है। उसके बाद एक और सिटी है जिसको उसकी नज़रें हैं उस पर, खैर उस पर आते हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये, और इट्स सेड टू बी ऑफ अ कल्चरल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। उनके काफ़ी सारी पोएट्स वगैरह उस जगह से हैं, थोड़ी हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, और एक स्ट्रेटेजिक भी है, इफ़ यू सी एज अ मिलिट्री वे तो एक वो स्ट्रेटेजिक भी एरिया होता है। अब इम्पोर्टेंस दोनों के लिए, पर अभी तक क्या थे, आर्मेनियन ऑफिशियल्स कर रहे थे डिनाई उस चीज़ को। अब इनके पीछे कौन है, ठीक है, देर आर टू साइड्स, आर्मेनिया अज़रबैजान। अब आर्मेनिया इज़ ऑन द लूजिंग हैंड ऑफ द पार्ट, ठीक है, अब वो हार रहे हैं, अभी तक हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, आते हैं उस पर। तो जो अज़रबैजान है, जो अभी तक जीत रहा है, जिसने टेरिटरी कैप्चर कर लिया, उसके पीछे हाथ है जी तुर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर अर्दोगान का, ठीक है। उन्होंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जब उन्होंने उस सिटी पे कब्ज़ा कर लिया, और तुर्की हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू अज़रबैजान, तो वो अभी तक उन्हें मिलिट्री की तरह से भी सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें ड्रोन्स वोन्स और वेपन्स सेल कर रहे थे, ठीक है। दूसरी साइड पे रशिया होना चाहिए, मॉस्को होना चाहिए जो आर्मेनिया के साथ खड़ा हो, बट वो इस सिचुएशन में काफ़ी हद तक न्यूट्रल दिखा, क्योंकि जो आर्मेनिया है उसने थोड़ा वेस्ट की साइड पे वो गया, तो भाई रशिया ने अपना हाथ उसके सिर से उठा लिया उस रीजन में। अगर आप देखें तो जैसे अमेरिका की साइड, अमेरिका तो खैर सारी मुल्क का, सारी दुनिया का एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, चाइना कह सकते हैं हम एशिया की सुपर पावर है, इंडिया उससे कम्पीट कर रहा है, सेम उस इलाके में, और ये जो इलाका है जो यूरोप से और रशिया से है, तो जो इस एरिया में है रशिया एक सॉफ्ट पावर होल्ड करता है। अगर इफ़ रशिया से समथिंग कोई डायरेक्शंस आती हैं मॉस्को से, तो दे आर फॉलोड एंड दे आर एग्रीड अपॉन। तो होना ये चाहिए था कि आर्मेनिया की साइड रशिया खड़ा होता, बट दे चोज टू बी न्यूट्रल। अब जो जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी जो ये इंफॉर्मेशन आई है कि एक पीस ट्रीटी, एक पीस डील साइन हो चुकी है, रशिया ने जो करवाई है, रशिया ने इनिशिएशन लिया है, और जिस में जो एक मेन हाइलाइटेड पॉइंट है कि अब मिडनाइट से वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है, और जो कैप्चर्ड टेरिटरी है जो अज़रबैजान ने, वो जो शूशा सिटी कैप्चर की है, वो अब वो रख सकते हैं, अब वो उनके कंट्रोल में है अकॉर्डिंग टू दैट डील। आर्मेनिया वो डील साइन कर चुका है, सॉरी आर्मेनिया वो डील साइन कर चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो और जो टेरिटरीज़ हैं जिसको अज़रबैजान क्लेम कर रहा है, वो भी टेरिटरीज़ हैंड ओवर कर दी जाएँ, उसकी ट्रांजिशन हो जाए बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो दिस इज़ वेयर द कन्फ्लिक्ट स्टैंड्स, ठीक है। जो बड़े खुश हैं, जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलिया, वो बड़े खुश हैं, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनकी और तुर्की के अलायंस की जीत हुई है इस सिचुएशन में। सही गलत हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इधर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही गलत देखेंगे, सही गलत मेरा कहना बनता भी नहीं है यहाँ, क्योंकि ना तो मेरा पर्सनली इनसे लेना देना है कंट्रीज से, बट ये ऑन अ ग्लोबल स्टेज ये हमें ज़रूर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो हमें इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो आज मैंने किया और आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ।
अब क्या है जी, जो अर्मेनिया के, ठीक है, जो अर्मेनिया के प्रेसिडेंट हैं निकोल पिशिनियान, अब उन्होंने भाई वो डील साइन कर दी है। अब वो जो डील साइन करने के बाद क्या है जी, उनके पार्लियामेंट के बाहर और जो उनकी प्रेसिडेंट की रेजिडेंसी है उसके बाहर प्रोटेस्टर्स आ गए हैं भाई, बड़े प्रोटेस्ट मच रहे हैं। जो आर्मेनिया की आवाम है, अपेरेंटली दे आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ स्टॉपिंग द वॉर, एंड जो है कि उन्हें अपनी टेरिटरी सीड करनी पड़ी, उन्हें छोड़नी पड़ी टू अजरबैजान, तो दे आर नॉट हैप्पी विद इट एंड दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेजिडेंट निकोल पशनियान। तो देखते हैं बाकी। ये ऐसा ही एक पीस डील कुछ टाइम पहले भी हुई थी, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले फ्रॉम रिकॉर्डिंग दिस टाइम, लाइक रिसेंटली, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लेट सितंबर से चल रही है और नवंबर, लाइक समवेयर अराउंड अक्टूबर वहाँ पे एक पीस डील हुई थी बाय द रशिया इटसेल्फ, ऑब्वियसली, क्योंकि मॉस्को बिग डैडी है वहाँ पे, रशिया बिग डैडी है, वो जो बोलेगा वो होगा, जो वो करवाएगा वो होगा वहाँ पे। तो ये पहले भी हुई थी, बट वो आई गेस एक आध दिन में वो फिर उसका वो फाड़ वाड़ दिए थे वो ट्रीटियाँ, और दोबारा ये फड्डे चालू कर दिए थे इन्होंने। पर अभी की जो लेटेस्ट खबर है उसमें है कि ये दोबारा एक पीस डील साइन हुई है। देखते हैं, होपफुली शांति बनी रहे। हमारा तो यही कहना है कि भाई ये ज़मीन ज़मून के मसले हैं और ये बड़े इनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेज हैं। इनके ऊपर कमेंट करना कि विच साइड हैज़ यू नो जस्टिफाइड कि भाई ये ज़मीन उनकी होनी चाहिए, बिकॉज टेरिटरी तो दोनों क्लेम करते हैं, आर्मेनिया भी टेरिटरी क्लेम करता है और अजरबैजान भी। इनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसमें, अगर आप डिटेल में मैं चाहते हैं कि मैं जाऊं और आपको पसंद आता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ फॉर द लाइक अबाउट द मुस्लिम वर्ल्ड और द अरब वर्ल्ड आपको दूँ, क्योंकि आई थिंक और मुझे लगता है कि हमें और जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन रीजन्स को, इन गवर्नमेंट्स को, इन 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 कंट्रीज़ को, इन सिविलाइजेशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं हैविंग सब्सटेंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, तो जो जो चीज़ें इस अरब वर्ल्ड में होती हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके इम्पैक्ट्स इंडिया में भी दिखेंगे। और तो इसी वजह से हमें एक नज़र रखनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब सर जगह आए, ठीक है, बिहार से निकले थे हम भैया जी, ठीक है, अमेरिका गए, चाइना गए, अर्मेनिया अजरबैजान का चक्कर लगाते हुए देखते हुए आए क्या हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कनाडा की थोड़ी बात की है, अब दोबारा आ जाते हैं नो बैक टू रोड्स, बॉम्बे के लौंडे बॉम्बे पे आ जाते हैं, ठीक है, दोबारा तो बात करते हैं इस फजूले इंसान की। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चेस, गुड बाय।